प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश के क्रम में गुरुवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कैम्प कार्यालय में नगर निगम के अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के रोकथाम के रणनीति पर चर्चा किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग एवं साफ सफाई की डोर टू डोर व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। बैठक में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी, कर अधीक्षक प्रीतम वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जो चीजें है ना धीरे धीरे डाउन हो रही है, तो अब ये जो चीज का वो वापस आप कह रहे हैं सही बात है। तो रात में 8:30-9 बजे के बाद नहीं, हम इतने अपने को दिन में करना शुरू करते हैं। हम लोग पहले कह रहा था हम ये धीरे धीरे करते हैं, अभी आज 2-4 दिन से और देख लीजिए, हमने एक टारगेट बना देना चल रहा हूँ 15 मई हम लोग उसी हिसाब से। अभी तक 28 हुई है, जब हम लोग कहते 27 थी, अभी 28 अभी जो है हम लोग वहाँ पे जाके देख लेंगे, डाउन कर लेंगे। आपको जो टोटल संख्या बता रहे हैं ना, हम तो ओनली कोविड बात कर रहे हैं। कल शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अति आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे COVID-19 के संबंध में, उसी को ध्यान में रखकर आज समस्त जो हमारे अपर नगर आयुक्त साहब हैं, हमारे उप नगर आयुक्त साहब, NSA साहब और अन्य जोनल ऑफिसर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, उनकी बैठक बुलाई गई थी। और उसमें मुख्य रूप से जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जो 70 वार्ड हैं उनमें किस प्रकार से सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जाए, इफेक्टिवली फॉगिंग किया जाए, विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, इसके साथ साथ चूँकि वर्षा ऋतु आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे 11 बड़े नाले हैं, 123 मझोले नाले और छोटे 96 नाले हैं, इन सभी नालों की तली झाड़ सफाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ जो हमारे कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद डेली वहाँ पर जो है हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जाकर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जाए। इसमें जहाँ बड़ी मशीनों की सहायता ली जाए वहीं पर जो छोटी मशीनें हैं उनको भी जो हमारे स्वच्छता के सिपाही हैं उनके माध्यम से घर घर जाकर उसकी सफाई सैनिटाइज कराया जाए। साथ ही साथ विशेष सफाई अभियान चलाते हुए डेली वहाँ पर फॉगिंग कराई जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना होनी पाए। और जो वहाँ पर हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है उसके माध्यम से प्रत्येक उस कंटेनमेंट जोन के रहने वालों को इस बात को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। इसी तमाम बातों को लेकर आज की ये बैठक की गई थी।